तो फ्रेंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा प्रॉब्लम बनाया है जिसमें एक साधारण व्यक्ति जब रोड क्रॉस करता है तो वो एक पुश बटन से, जैसे ही वो पुश बटन प्रेस करेगा, अब यहाँ एक साधारण व्यक्ति है या कार चालक है, साधारण व्यक्ति है। मैंने ये सिंपल प्रोग्राम बनाया है। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसमें कोई HMI नहीं है, कोई PLC नहीं है। विदाउट PLC के, विदाउट HMI के मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। वो आप अगर पूरा वीडियो लास्ट तक देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या प्रोसेस किया है और कैसे कैसे काम किया। अब आपने ये प्रोग्राम पूरा रीड कर लिया होगा आई थिंक। तो इसमें क्या है कि जैसे ये पेडेस्ट्रियन है, ये कार चालक है। अब ये पेडेस्ट्रियन जैसे पुश बटन को प्रेस करेगा तो 10 सेकेंड तक, यहाँ 10 सेकेंड तक कार चालक के लिए कोई भी इंडिकेटर शो नहीं करेगा। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट होगा, वो 10 सेकेंड बाद ये येलो येलो इंडिकेटर ग्लो करेगा और 10 सेकंड तक ग्लो करेगा। और 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो 30 सेकंड तक रेड लाइट ग्लो करेगा। और ये रेड लाइट में ही, इस रेड लाइट के अंदर इस व्यक्ति को निकलना है। जब इसको रेड लाइट रहेगा कार चालक के लिए, इतनी देर में ये बंदा निकल जाएगा, रोड क्रॉस कर जाएगा। अब इसका प्रोसेस ये है, जैसे ही पेडेस्ट्रियन ने पुश बटन प्रेस किया, 20 सेकंड तक कोई भी सिग्नल ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 सेकंड तक ये ग्लो नहीं किया और 10 सेकंड तक येलो रहा। ये 10 20 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट 15 सेकंड तक ग्रीन इसको सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ 20 सेकंड इसका कंप्लीट हुआ है, 20 सेकंड के बाद ये इसको सिग्नल मिलेगा ग्लो। सिग्नल ग्लो करेगा तो ग्लो सिग्नल करेगा तो ग्रीन सिग्नल ग्लो करेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही 15 सेकंड में ये ग्रीन होगा तो ये अपना रोड क्रॉस कर लेगा, और नेक्स्ट 15 सेकंड के लिए इसको रेड ब्लिंक करता रहेगा। जो रेड सिग्नल है वो ब्लिंकिंग करता रहेगा, तो ये जो कार चालक है इसको पता चल जाएगा मेरे 30 सेकंड कंप्लीट होने वाली है और फिर मेरे को गाड़ी निकालना है। रेड ब्लिंक जैसे यहाँ ग्लो करेगा, और इसके बाद में जैसे ही इसका टाइम खत्म होगा 15 सेकंड, इसके बाद में इसके 30 सेकंड के बाद इसको कंटिन्यू रेड सिग्नल मिल जाएगा 30 सेकंड का। तो एक पुश बटन से, सिंगल टाइम पुश बटन प्रेस करने पर ये मेरा पूरा प्रोग्राम रन करेगा। और प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने प्रोग्राम पूरा GX Work 2 में मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ अब मैंने ये भी प्रोग्राम सिमुलेट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से सिमुलेट करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो मेरा यहाँ से सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। अब सिमुलेटर मैंने यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा सिमुलेटर यहाँ से ऑन हो गया। अब मेरा सिमुलेटर यहाँ से ऑन हो गया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा सिम्युलेटर रन कर रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैंने GX Work 2 को ओपन किया है। अब मैं GT Designer 3 को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ प्रोग्राम GT Designer 3 में मैंने प्रोग्राम ये बना रखा है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं सिंगल सिंगल पुश बटन ओनली स्टार्ट अगर बटन से मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, तो मेरा ये 30 सेकंड के लिए येलो लैम्प है। और मैंने जैसे यहाँ जो प्रोग्राम आपको बता रखा है वो ऐसे यहाँ पर सिस्टम से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको मेरे ख्याल से। अगर इसमें मैंने एक प्रोग्राम इसमें ऐसे, ये है मेरा होम पेज। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये फंक्शन जब काम करेगा, मैंने यहाँ दो स्क्रीन में लिया है इसको, आप देख रहे हैं दो स्क्रीन में मैंने लिया है। तो दूसरा स्क्रीन मेरा CMS है और ये पहला स्क्रीन है। तो जैसे मैं इसको सिमुलेट करूंगा, जैसे मैं इसको सिमुलेट करूंगा, तो ये GX Work 2 से लिंक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से टूल में जाता हूँ और टूल में जाके मैं इसको सिमुलेट कर लेता हूँ, और सिमुलेट के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा प्रोसेस जो हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरा सिमुलेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर मेरा सिमुलेशन ऑलरेडी स्टार्ट होगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अभी आप ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ मैंने सिमुलेट बंद कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे बंद करूंगा तब मैं आपको दिखाता हूँ एक अगेन कि प्रोसेस क्या था। मैंने अभी GT Designer 3 का जो सॉफ्टवेयर है वो सिम्युलेटर जो है यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। ये मेरा PLC का प्रोग्राम है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ जिससे आप प्रोग्राम भी ध्यान से देख पाएंगे। तो आप अच्छे से एक बार प्रोग्राम रीड कर लीजिए किस पुश बटन से कैसे ये प्रोग्राम मेरा काम कर रहा है। मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लेके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं सिम्युलेटर मेरा ऑन नहीं है, अब मैं ऊपर जाता हूँ इसको ऑन करता हूँ, तो मैं GT Designer 3 में जाता हूँ। अब इसको मैं सिम्युलेटर इसका ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसका सिम्युलेटर ऑन करूँगा, मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। देखिए
अब मेरा ये सिम्युलेटर यहाँ से ऑन हो गया। यदि मैं जी टू जी आई थ्री को ये मिनिमाइज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मैंने दो चीज मैं ऑन रखूंगा, ऑनले ध्यान देना है। यहाँ मेरा ये मेन सिम्युलेटर है और उसके बाद ये इनपुट आउटपुट है, ये प्रोग्राम में मेरे इनपुट आउटपुट दे रखी है। अभी जो सिग्नल होगा वो इस पे आएगा, ध्यान देना है। जैसे मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो मेरा सिग्नल जो होगा मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ जो मैंने दो स्क्रीन बनाई थी, एक विंडो में दो स्क्रीन बनाया था, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज मेरा ये है। अगर मैं इस बटन से चाहूँ सेकंड पेज पे जाके तभी भी यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। यदि मैं लास्ट में जाऊँ होम पेज पे तो मेरा होम स्क्रीन आ गया। मेरे होम स्क्रीन में मैंने एक स्टार्ट बटन लिया है, ये येलो इंडिकेटर है, ये रेड इंडिकेटर है, और ये यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर है, ये येलो रेड ब्लिंक करेगा 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए रेड लैंप है। अब प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से मेरा प्रोग्राम रन होगा। मैंने यहाँ सिंगल कमांड स्टार्ट दिया है, स्टार्ट के बाद ये टॉगल स्विच है, बिट में लिया है मैंने। स्टार्ट के बाद स्टार्ट हो गया मेरा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा ये येलो लैंप ग्लो कर जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ये येलो लैंप ऑन हो गया है, येलो लैंप ऑन हो गया। अब जैसे ये टाइम 10 सेकंड कंप्लीट होगा यहाँ 30 सेकंड तक ये भी ऑन हो गया, और आप देख रहे हैं ये 15 सेकंड तक इसका जो टाइम था ना 10 सेकंड ग्रीन सिग्नल था, 15 सेकंड का टाइम था, इसके बराबर दोनों ये चलेगा। अभी यहाँ चल रहा है ग्रीन चल रहा है, जैसे ही ग्रीन कंप्लीट होगा वो रेड ब्लिंक 15 सेकंड करेगा, और ये जब रेड ब्लिंक कर रहा है ये बंद हो गया, रेड ब्लिंक कर रहा है प्रोग्राम। अब मैं आगे आपको दिखा दूंगा दोबारा स्टार्ट करके। मैं अभी आप यहां देख लीजिए, जैसे ही ये 15 सेकंड कंप्लीट करेगा ये बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। अब कार चालक जा सकता है क्योंकि इनके लिए जो पैदल वाला बंदा है उनके लिए रेड इंडिकेटर ग्लो कर गया, तो कार चालक जा सकता है। ये मेरा इस बार प्रोग्राम था। अब मैं एक बार और दोबारा रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट करेगा ये प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। तो अभी ये ग्लो कर रहे हैं, अगर मैं इसको रनिंग में देखता हूँ तो ये 30 सेकंड तक कंप्लीट करेगा। अब 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट इसका हो जाता है ये प्रोग्राम ऑटो में ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक कला की बात सबसे बड़ी ये है कि विदाउट पीएलसी के और विदाउट एचएमआई के मैंने प्रोग्राम रन करके दिखाया है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और इंटरेस्टिंग लगती है और आपको इस तरीके का कोई और डाटा चाहिए मेरे से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कुछ नहीं फालतू है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें क्या कमी रह गई है तो मैं आगे इंप्रूवमेंट कर लूं। थैंक यू। अब मैं एक बार अगेन आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं कि मैं प्रोग्राम के साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया है तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे तो 20 ये जो कमांड है वो मेरा इंडिकेटर का है। ये देखो आप, अभी इंडिकेटर मेरा ग्लो कर रहा है, यहाँ इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। मैं एचएमआई पे भी आपको दिखा दूंगा तो एचएमआई से आप देखेंगे तो ये लो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब यहाँ जैसे ही रेड ग्लो करेगा 502 है और ये जो दोनों एक साथ है। अब यहाँ देखो 502 और 503 एक साथ ग्लो कर रहे हैं। अब जैसे 3 और 2 बंद हो जाएगा, 3 का टाइम कंप्लीट जब होगा, जब ये दोनों टाइम कंप्लीट होगा 3 चलता रहेगा 2 चलता रहेगा। अभी 2 चल रहा है, अभी ये देखो ब्लिंक कर रहा है, ये 4 ब्लिंक करने लगा, 3 बंद हो गया 4 ब्लिंक कर रहा है। आपको प्रोग्राम मेरा अच्छे से समझ में आएगा। विदाउट पीएलसी और विदाउट एचएमआई मैंने प्रोग्राम रन करके दिखाया है। अब जैसे ही कंप्लीट करेगा 505 मेरा ऑन हो जाएगा। अब 505 ऑन होने के लिए अब देखो आप 504 मेरा 505 ऑन हो गया आउटपुट में, लेकिन 504 जो होगा वो आपका ऑफ हो गया, ये ब्लिंक ऑफ हो गया, ये भी ऑफ, सारे इंडिकेटर ऑफ हो गया। अब ओनली रेड इंडिकेटर ग्लो करें।